शांति। आज 12 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ा कर सुख धाम में ले जाने। प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत यानी धैर्य देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे तुम बेफिकर रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत है, छोड़ बीधे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं, कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिकर रहो, यह मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन हैं। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं, सारी दुनिया में अशांति है। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण राज्य से छुड़ा कर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं यह मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म महतत्व में रहते हैं ना, यहाँ ही जीव आत्माएं, वहाँ ही आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह नाटक है सुख और दुख का, बुलाते भी हैं हे परमपिता परमात्मा क्योंकि दुखी हैं। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है, बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते हैं। गाते भी हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी, गृहस्थ आश्रम था, भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं, उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन ही देह अभिमान, फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनात थे तो कितने सुखी थे, यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नर्क से गया ना, तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नर्क है, इसको रोरो नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं, और कोई नदी नहीं है, विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं
यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क, अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं, तुम्हारा धनी है मात पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो तुम मात पिता। मनुष्यों को तो पता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया पांच विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवानुवाच, अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा, यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुहाफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो दो बाप हो गए, एक तो परमपिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना, भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाई प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर वन है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है चार। सबसे पहले है देवी देवता धर्म, सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना, वह है हेवनली गॉडफादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं, अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्यों को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। यह चोला पुराना हो गया है, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ पवित्र हेविन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा यानी ग्रैंड फादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्मा उनसे बात करते हैं, उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं, यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं। लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी, आत्माओं में ही संस्कार है जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो,
सारी नॉलेज आत्मा में ही, फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं, ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा ही गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार लाइट चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है, एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले ही बाबा, बाप के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहे, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात, सतयुग है दिन, रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात बेहद का दिन है। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पड़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का, रचना का नहीं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों।
डॉक्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवानुवाच बच्चों के प्रति। बच्चे, यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानु वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसते हैं। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जावे फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धियोग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव प्रह्लाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला, प्रालब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना, यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई माने से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। यह सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। अच्छा ओम शांति।